दोस्तों चिंटू के मम्मी पापा एक सुंदर से नेवले को पाल रखे थे। नेवला हमेशा चिंटू के साथ में ही रहता था और चिंटू के साथ में ही घूमता फिरता था। चिंटू के घर के पास ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा जहरीला सांप भी रहता था। ये सब बहुत ही बदमाश था, वो आते जाते लोगों को डस लेते थे जिसके कारण कई लोगों की मौत वहीं पर हो जाती थी। एक रात को ये सांप चिंटू के घर में घुस जाते हैं और अब ये सांप चिंटू को डसने ही वाला था, तभी नेवला आकर इसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और आखिरकार नेवला सांप को मार ही देते हैं। सांप का खून घर की दरवाजे से बाहर निकलने लगता है। दरवाजे से खून बाहर निकलते देख चिंटू की मम्मी पापा काफी चौंक जाते हैं और दरवाजे को खटखटाने लगता है। और जैसे ही नेवला ने दरवाजे को खोला तब चिंटू के मम्मी पापा को लगा कि नेवले ने उसके बेटे को मार दिया है। ये सोचकर दोनों नेवले को पीट पीट कर मारने लगते हैं। तभी आवाज सुनकर चिंटू जग जाता है। चिंटू को जगा देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। तभी चिंटू के पिताजी को वहाँ पर सांप मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। उसके बाद तभी चिंटू के मम्मी पापा को पता चलता है कि नेवला ने उसके बेटे को नहीं मारा है बल्कि उसकी रक्षा की है इस सांप से। चिंटू का दोस्त बेवजह मारे जाने के कारण चिंटू अपने मम्मी पापा से नाराज हो जाते हैं।